गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू हरियाणवी स्वैग व्लॉग्स। तो आज मैं आपको अपना फुल डे रूटीन दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि शायद उस पिछले व्लॉग में अच्छे से नहीं हो पाया, तो आज मैंने आपको फुल डे रूटीन दिखाना है, जिस मतलब मेरी दिन की शुरुआत और दिन का एंड और पूरे प्रॉपर तरीके से क्या खाना है, कैसे खाता हूँ, कैसे घूमना है या सब चीज़ जो भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये जो है, ये मैंने लेमन और ग्रीन टी इसके अंदर डाल दी है। तो ग्रीन टी मैंने बेसिकली इसलिए पीता हूँ साथ में कि बेली फैट में बहुत हेल्पफुल होता है, और इसके साथ लेमन मैं इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि खाली ग्रीन टी पीना बहुत बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब नहीं पी जाती। तो लेमन के साथ में क्या होता है, वो ग्रीन टी का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है और लेमन का टेस्ट ज़्यादा आता है, तो इसलिए इजी हो जाता है पीना। तो ग्रीन टी इस तरह से पी लो और लेमन के साथ मिला के, और उसके बाद में ये फ्लैक्स सीड्स जो है ये ग्राइंड करके, देख रहे हैं आप, इसको एक चम्मच रोज़ लेमन ग्रीन टी के साथ आप पी लो। मार्केट में जो लेमन ग्रीन टी आती है उसका कोई ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं होता, तो नॉर्मल ग्रीन टी लो, प्लेन ग्रीन टी, वही बेनिफिशियल है। उसके साथ आप लेमन डाल लो। और रात को फ्लैक्स सीड्स है, जैसे मेरे घर पे तो ख़त्म हो गए थे, तो रात को फ्लैक्स सीड्स एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच डाल के सो जाओ, और सुबह को वो जो पतले पतले होते हैं वो फूल जाते हैं। तो लेमन ग्रीन टी वगैरह पीने के बाद में 15-20 मिनट बाद में, आधे घंटे बाद में आप उनको पी लो, और उसके साथ ही आप ये फ्लैक्स सीड्स ले लो। तो ये मॉर्निंग का रूटीन है, ये ज़रूर स्टार्ट करें, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सोचो या लंच सोच लो, 11 बजे मैं जो है खाना खाता हूँ। तो आज मैं ये राइस खा रहा हूँ, जो कि बॉयल करके खाते हैं इस तरह से। आप कई लोग प्रेशर कुकर में खाते हैं, प्रेशर कुकर में फ़ायदा कुछ नहीं होता क्योंकि वो फैट देता है। इसके अंदर आपका जो स्टार्च वगैरह होता है, कार्ब्स होते हैं, ये पानी में निकल जाते हैं और इस पानी को आप फिर फेंक देते हो, तो इसके अंदर कोई फैट नहीं रहता इस राइस के अंदर। और साथ में है पनीर, जो पूरा प्रॉपर उससे होता है। अभी जैसे इस तरह से खाना है, राइस खाने है, तो राइस खाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, इस तरह से खाओ। अदरवाइज और बाकी ये कहूँगा कि इनिशियल डेज में अगर आप कर रहे हो स्टार्ट, तो ओट्स से शुरू करो, कुछ दिन ओट्स खाओ जब बोर हो जाओ, तो उसके बाद में पोहा खा लो, कुछ दिन में बाद में पोहा से बोर हो जाओ, तो उसके बाद आप इडली खा लो, इडली के बाद मतलब, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे मिक्स कर लो, इडली हो गई। इडली के अलावा आप जैसे बैटर आता है, डोसा बैटर आता है, उसको आप डोसा ना बना के एक फ्राई पे उसको प्लेन बना लो, आप प्लेन डोसा टाइप बना लो और सब्जी के साथ खा लो। फिर आजकल मूंग दाल का आटा, जौ का आटा, बेसन हो गया, इस तरह की चीज़ें बहुत आती है, बादाम का आटा, तो ये सब आपके लिए फैट लूज़ करने में बहुत बेनिफिट होती है। आपका कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है, आपका बीपी शुगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, उसके लिए हो गया, आपकी किडनी, लीवर, आपका हार्ट, ए टू जेड आपकी बॉडी के रिलेटेड कोई भी है, लड़कियों के अंदर कुछ के अंदर बात करो, PCOS की प्रॉब्लम होती है, PCOD की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत बेनिफिट है। हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होता है लड़कियों में, वो हो गया, तो आप एक बार एक महीना ये करके देखेंगे तो मैं 110% कहता हूँ, विदाउट एनी मेडिसिन आपका ये रिज़ल्ट 110% आपको मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो चावल है ना, ये राइस, ये बिल्कुल ही वो मतलब बिना पानी वाले हैं, जिसके अंदर बिल्कुल सोक हो चुका है। और ये है पनीर, जो कि मुझे प्रोटीन देगा, और थोड़ा सा मैंने ये लिया है आलू, बहुत टाइम बाद लिए, जिससे मेरे को थोड़ा कार्ब्स भी आए, तो इसके लिए मैंने लिया। बट आप अगर पूरी प्रॉपर इनिशियल डेज में तो बिल्कुल भी आलू वालू तो खाना मत, 2-3 महीने तक, जब तक आपका वेट नहीं आता। तो अभी तो मैं फ़िलहाल वैसे खा रहा हूँ। और ये है भर के सैलेड, जिसको मैं पहले खाऊंगा उसके बाद ही खाऊंगा। अगर सैलेड आप खाते हो, उसको ही खाने से क्या है, आपको कुछ भी कैसा ही उल्टा सीधा खाना खा लो, मतलब ये नहीं कि मैदा वैदा ये सब चीज़, मगर ये
जितना आप खा सकते हो उससे आपका वेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये लस्सी जिससे आपको अंदर से जो ठंडा रखती है और डाइजेस्ट करती है। और किसी को भी किसी भी तरह की बीमारी है, बीमारी इन द सेंस वेट, पेट का तो खैर मैं बीमारी नहीं बोलता, वो तो अपने हाथ में ही रहता है ऊपर नीचे, बट बीमारी जैसे मेरे कोलेस्ट्रॉल था, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बिना दवाइयों के ये ख़त्म हुआ है। मेरा ये बीपी की प्रॉब्लम थी, मेरा बिना दवाइयों के ये प्रॉब्लम ये ख़त्म हो गया बेसिकली। उसके अलावा ये किसी के शुगर है, शुगर के लिए बहुत बेनिफिट है, लड़कियों में पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, विटामिन्स वगैरह इन सब की कमी होती है किसी के अंदर, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी के स्किन के लिए ज़रूरत होता है, स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये एक महीना करके देखो, एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट 110% आएगा। और सिर्फ इसी तरीके से इतना ही कर लीजिए नॉर्मल, सिर्फ 11 बजे खाना और 4 बजे खाना। जिनके शुगर है वो हर 2-3 घंटे के अंदर खाए, मगर हुआ है कि फूड्स वगैरह खा ले कुछ, जैसे सिट्रिक फूड्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर शुगर नहीं होता। अदरवाइज सैलेड वगैरह ये सब सुबह को स्प्राउट्स अगर भिगो सकते हो प्रोटीन के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो कर लीजिए। मैं मेरे से नहीं होता तो प्रोटीन वो स्प्राउट्स वगैरह तो नहीं करते, तो इसलिए हम पनीर वनीर इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। तो अब हम आ गए वॉक करने के लिए। अब ये मान के चल लो कि 2 घंटे के आसपास हमारी आराम से वॉक होगी, 2 से ज़्यादा हो सकती है बट 2 तो होगी। तो अब हम आ गए वॉक करने के लिए। अब ये मान के चल लो कि 2 घंटे के आसपास हमारी आराम से वॉक होगी, 2 से ज़्यादा हो सकती है बट 2 तो होगी। तो वॉक करने से पहले जब आप 4 बजे खाना खाते हो तो 1 घंटे का गैप दो, 1 घंटे के गैप के बाद में ग्रीन टी पियो या गर्म पानी पियो उबाल के, तो वो पी के निकलोगे तो और अच्छा आपके लिए बेनिफिट देगा। और गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, इनको वॉक करनी है। देखा था आपने उस दिन मॉल लेके गए थे गर्मी में, तो ये हाल है, वॉक करनी है तो करनी है। हाँ, वॉक करने का कुछ ना कुछ एक्सक्यूज अपनी लाइफ में ढूंढना चाहिए इंसान को कि कैसे भी करके हमें वॉक करनी है। कुछ शॉपिंग करने जाना तो पैदल चले जाओ, कुछ कोई मार्केट में कहीं दूर जाना है तो कोशिश करो कुछ पैदल चले जाओ कि 2 घंटे का आपकी वॉक हो जाए। और ये सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, शेड्यूल जो है, ये जो पूरा दिन का डेली रूटीन होगा आपका, ये डेली रूटीन आपको ये जो मैं बीमारियां बता रहा हूँ जो भी जिसके भी हो जाती है, क्योंकि ये सब बीमारियाँ क्यूरेबल है, ये ठीक हो सकती है खाली आपकी एक लाइफस्टाइल को चेंज करने से। और ये भी बता दो कि स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है आपको। हाँ, स्टार्टिंग के जाए, किसी दिन लगेगा नहीं जाए, स्टार्टिंग के 1 हफ्ते बहुत टफ लगेगा। हाँ। और जिस दिन आप बीच में 1 दिन के लिए छोड़ दोगे उसके नेक्स्ट डे आपको उतना ही डिफिकल्ट लगेगा जितना आपको इनिशियल डेज में लगता है। जितना गैप आता रहेगा 2-3 दिन उतना डिफिकल्ट होगा। तो 1 भी दिन मत छोड़ो, अगर कहीं कुछ जाना भी है आधा घंटा हो एटलीस्ट। लाइफस्टाइल चेंज करने से, खाली सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ज़्यादा नहीं कहता मैं, थोड़ा सा एक रूटीन बना लो, एक वॉक करने का, सिर्फ टाइम पे खाने का। जो वेट के अलावा भी अगर नॉर्मल रूटीन वाले अगर टाइमली खाना खाए और एटलीस्ट 12 से 16 घंटे का गैप ले, एक फास्टिंग पे रहे, यही एक लाइफ का सबसे अच्छा, मतलब मैं कहूँगा वैल्यूएबल लेसन होगा मेरी लाइफ का, जो मैंने अब जाके सीखा है पिछले 4 महीने के अंदर, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ बहुत बदली है इससे। और बहुत एक्टिव भी फील होता है जब आप ये चीजें करते हो, आप ये तो लेजी रहते हो पूरा दिन। आप जो अनहेल्दी खाना खाते हो वो ठीक है कभी कभार खाओ, मैं नहीं कहता कि नहीं खाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ यार लाइफ है एंजॉय करने के लिए खाओ, बट वीक में 1 बार खाओ, उससे क्या बाकी दिन आप कवर करो, क्योंकि वो आपको अनहेल्दी तो करता है, उसके साथ में लेजी ज़रूर करता है। तो ये जो पसीने हैं, ये पसीने नहीं है, ये
एक बीमारी निकलती है आदमी के शरीर से, रोम छिद्र खुलते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी के अंदर वो निकलते हैं, आपका फैट निकलता है। तो दिन में एक बार ज़रूर ऐसे निकालोगे तो सबसे अच्छा यही रहता है। तो ये करते रहिए और हेल्दी बने रहिए। तो जैसे कि गाय सब घर आ गए, घर आके मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो दूध से अच्छा ऑप्शन मेरे को नहीं लगता कोई होगा, और वो भी गाय का दूध मिल जाए तो शायद उससे अच्छा कुछ है नहीं। तो मैं कहूँगा चाहे दिन में एक बार कभी भी दूध ज़रूर पियो, कैल्शियम के लिए सबसे बेस्ट होता है और आपका पेट भी भर देता है। हाँ, बिना शुगर के पीना है, शुगर के साथ नहीं। तो इसी के साथ अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको पूछना हो मेरे को, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जितना मुझे लगा मुझे बताना चाहिए मैंने उतना बताया। बाकी अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाकी अपना खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए।